Hello all, a very warm good morning to all of you. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 6th of December, that is today. My name is Rahul Kopulwar and I am your faculty for general awareness. Some of the news that we will be going to discuss today is with respect to a slight change in NPS, LIC, peer-to-peer lending platforms, State Bank of India, Tata Motors, line of credit and so on and so forth. So without wasting any further time, let's move on to our first news. First news will be with respect to peer-to-peer lending platforms. Peer-to-peer lending platforms kya hote hai? Pehle wo samajhna chahiye aapko. Okay. So bank kya kar raha hai yaar? Bank is acting like a financial intermediary. Jo borrower ki madad kar raha hai to get the loans. Aur depositor ki madad kar raha hai to get the income, to get the interest on its money. Okay, so ek intermediary ki tarah kaam kar raha hai aapka bank. Kyun? Kyunki depositor ko wo interest provide kar raha hai aur borrower ko loan provide kar raha hai. But maan ke chalo yaar, borrower ke paas requisite documents hi nahi hai. Theek hai. Agar koi farmer hai, uske paas agar documents hi nahi hai, to usko loan diya jayega kya bank ke taraf se? Nahi diya jayega. तो अगर बैंक से वो लोन उसको नहीं मिल रहा है तो बेचारा बंदा कहाँ पे जाएगा? उसको लोन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको अपना घर चलाना है, उसको अपनी फार्म चलानी है, उसको अपनी खेती चलानी है, तो उसको लोन तो चाहिए रहेगा ना. ओके, तो अगर बैंक नहीं दे रहे हैं तो वो लोन मांगने के लिए इंडिजिनियस मनी लेंडर्स के पास जा सकता है, मुल्तानी श्रॉफ्स के पास जा सकता है, मतलब ऐसे लोगों के पास जा सकता है जिनके पास बहुत पैसा है और वो लोग ब्याज पे लोन दे रहे हैं ऐसे बोरोवर को, जैसे फार्मर जैसे बोरोवर को. ओके, तो बट फार्मर अगर इनके पास गया तो ये कुछ भी इंटरेस्ट रेट लगाते, 50%, 60%, 40%, 60% कितना भी लगाते ये लोग, ठीक है, इनको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है हमारे पास. तो ये जो मर्जी चाहिए वो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, और जिसके वजह से ऐसे फार्मर्स का जो हेल्थ, जैसे फार्मर्स का जो इनकम हेल्थ है वो डिटेरायट होते रहता है. ओके, तो अगर फार्मर है राम, अगर राम अगर इंडिजिनियस मनी लेंडर के पास गया तो उसको वहां पे 60% इंटरेस्ट रेट पर एनम देना पड़ रहा है. 1000 रुपए पे अगर वो 60% दे रहे हैं तो सोचो 600 रुपए तो उसको एक साल में इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ रहा है. तो जिसकी वजह से क्या होगा, फार्मर का कभी भी भला नहीं होगा. ओके, तो अगर बैंक से जा रहा है तो बैंक उसको मे बी 15 से 16% के हिसाब से लोन दे सकती थी, बट बैंक नहीं दे पा रही है. क्यों? क्योंकि बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स, बैंक को देने के लिए ये फार्मर के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है. ओके, तो बैंक नहीं दे रही तो उसका नुकसान है. इंडिजिनियस मनी लेंडर्स के पास जा रहा फिर भी उसका नुकसान है. ओके, तो अभी एक तीसरा हमने कंसेप्ट निकाल के रखा है कुछ साल पहले, दैट कंसेप्ट इज नोन एज पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म. तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पे फार्मर जैसे बोरोवर्स आएंगे और जिनके पास बहुत पैसा है ये प्लेटफॉर्म पे आके लेंड करेंगे. ओके, तो मतलब क्या यार, समझो, एक्स वाई जेड लिमिटेड इज दैट प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म पे आपका बोरोवर भी आ रहा है और ये प्लेटफॉर्म का आपका लेंडर भी आ रहा है. ओके, तो बोरोवर को जो लोन नहीं मिल रहा था बैंक के तरफ से, ये प्लेटफॉर्म पे आके उसको लोन मिलने के चांसेस होते हैं. ओके, तो फार्मर अपनी नीड को यहाँ पे पूरी कर सकता है और लेंडर को क्या फायदा रहेगा? लेंडर ऑब्वियसली सोचेगा कि यार मेरे पास तो ऐसे ही पैसा पड़ा हुआ है, मैं वो पैसे का क्या करूं मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख के, मुझे 3% 4% के इंटरेस्ट रेट से हिसाब से मिल रहा है वो, क्यों ना मैं किसी को लोन दे दूं. बट लोन मेरे से लेने के लिए कौन आएगा? 1000 रुपए 2000 रुपए का लोन थोड़ी ना आप दे सकते हो किसी को. तो अगर आपके पास 2000 40000 50000 30000 15000 ऐसा कुछ अगर पैसा पड़ा हुआ है तो आप वो लोन भी दे सकते हो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके. तो जो सेविंग्स अकाउंट में आपको 3% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, अगर आप पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर वो किसी को लोन दे रहे हो तो आप उसकी मांग कर सकते हो कि मुझे 9%, 10%, 11%, 12% के हिसाब से आप मुझे हम आपको लोन देंगे, उसके हिसाब से हम आपसे इंटरेस्ट रेट 12% चार्ज करेंगे. तो यहाँ पे
सेविंग्स अकाउंट के बजाय उसको कितना परसेंट का रिटर्न्स मिल रहा है लेंडर को, 3% माइनस 12%, दैट इज 9% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिया जा रहा है ये पर्टिकुलर लेंडर को। तो ये लेंडर भी खुश और वो बोरोअर भी खुश, क्यों? क्योंकि बोरोअर को लोन मिल रहा है और लेंडर को अपना पैसे पे उसके इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उस पर रिटर्न मिल रहा है। और ये बात हमेशा समझिए कि जो यूजुअली बोरोअर्स को मिलने वाला जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ही रहेगा। क्या रहेगा? यूजुअली ज्यादा ही रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि डिपॉजिटर्स को भी अपना पैसा, लेंडर्स को भी अपना पैसा बनाना होता है। लेंडर्स मतलब कौन? ये पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे हम जैसे लोगों की बात कर रहे हैं। हम जैसे लोग इंडिविजुअल्स लेंडर्स होते हैं जिनके पास जो भी पैसा है 20,000 रुपए है, तो राहुल को लगता है 20,000 मुझे लोन पे देना है, तो मैं क्या करूंगा, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाऊंगा, मैं वहां पे मेरा नाम रजिस्टर करूंगा और मैं बोलूंगा कि मैं अभी 20,000 रुपए लेंड करना चाहता हूं। तो जो भी बंदे को लोन चाहिए पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे, वो ये पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे आएगा, अप्लीकेशन करेगा टू बोरो दैट पर्टिकुलर लोन। तो यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल्स ही होते हैं हम जैसे लोग। ओके, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म ना कौन चला सकती है? ये पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स एनबीएफसी चला सकती है, ठीक है? एनबीएफसी के अलावा कोई भी कंपनी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म को नहीं चला सकते हैं, ठीक है? अभी एनबीएफसी पता है आपको, दे गेट्स रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। तो यार ऐसी एंटिटी जिसको पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके पास मिनिमम नेट ऑन फंड कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 2 करोड़ रुपीज। This has been mandated by the Reserve Bank of India. Okay, very very important stuff to know. अभी Reserve Bank of India ने recently inspection पे गए वो, और उनको पता चला कि ये peer to peer lending platforms पे ना जो practices की जा रही है वो ठीक practices नहीं की जा रही है, ठीक है? Misleading practices की जा रही है। यहाँ पे जो borrowers है काफी loans का default कर रहे हैं, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स का, लेंडर्स का नुकसान हो रहा है। लेंडर्स मतलब हम जैसे लोग। ओके, और क्या उनको पता चला कि यार ये पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म की ना गलत तरीके से भी मार्केटिंग की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यार पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे आओ, आप आपको सस्ते रेट पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा एज कंपेयर टू बैंक लोन्स। ये भी गलत मार्केटिंग टैक्टिक्स का यूज किया जा रहा है, जिसके वजह से आरबीआई ने रिसेंटली पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को बोला है कि आपको आपके कुछ एक्टिविटीज रोकने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये चीज पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म को बोल दी गई है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्या बोला गया यार, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है ना, उसका उसने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया है? उसने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है 407 बिलियन US डॉलर पिछले साल में। ये हम पूरे ग्लोबल पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज कुछ कंट्रीज ऐसे जैसे चाइना और इंडोनेशिया, इन्होंने बोल दिया हैव रेस्ट्रिक्टेड द एक्टिविटीज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इन रिस्पांस टू लार्ज स्केल डिफॉल्ट्स एंड कंज्यूमर कंप्लेंट्स। चाइना और इंडोनेशिया ने तो बोल दिया पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म को हम चलाने की पूरी 100% छूट नहीं देंगे, उनको 100% हम लिबरलाइज नहीं करेंगे, उन पे हम कड़ी सी कड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बोरोवर्स बहुत ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे हैं वो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे। सो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बोरोवर्स और डिपॉजिटर्स मिलते हैं और एक दूसरे की जरूरत को कंप्लीट करते हैं। पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म लोन प्रोवाइड कर सकता है क्या? वो खुद लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ मिडलमैन। जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, बायर और सेलर के बीच में मिडलमैन है, वैसे ही आपका पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म भी आपका मिडलमैन रहेगा जो बोरोवर्स और लेंडर्स की नीड्स को कंप्लीट कर रहा है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन लास्ट ईयर्स एग्जामिनेशन ऑफ फेज 1 2022। दे हैव आस्क्ड अबाउट हाउ मच नॉफ एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड to set up an housing finance company and which is a NBFC.
एनबीएफसी का नेट ओन फंड कितना है, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म का आपको पता होना चाहिए, दैट इज 2 करोड़। इसी साल आरबीआई ने उनके सिलेबस चेंज किया हुआ है, वहां पे उन्होंने बोला है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दैट इज एनबीएफसी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसीलिए आपको उसको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस साल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एनबीएफसी के ऊपर अच्छे कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मे बी इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एज वेल एज इन ऑब्जेक्टिव एज वेल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप दिस न्यूज इज वेरी वेरी क्लियर। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है हेल्थ रिजर्व्स ऑफ कंपनीज, लाइफ एक्सीडेंट एंड हेल्थ रिजर्व्स ऑफ कंपनीज। यहां पे बताया है कि सबसे ज्यादा कौन सी इंश्योरेंस कंपनी रिजर्व्स मेंटेन करके रखी है। ओके, सो रिजर्व्स मतलब क्या यार? रिजर्व मतलब रिजर्व। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा साइड में निकाल के रखा है। पैसा क्यों साइड में निकाल के रखा है? क्योंकि जब भी इंश्योरेंस कंपनी की कोई लायबिलिटी आती है तो ये रिजर्व से पैसा निकाल के वो लोग इंश्योरेंस होल्डर्स को दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, राम है, अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है 1 करोड़ का, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके फैमिली को तो पैसा देना पड़ेगा ना कंपनी को, LIC को। तो LIC क्या करेगी, अपने रिजर्व से पैसा निकालेगी और राम के फैमिली को दे देगी। ठीक है, तो रिजर्व इसीलिए निकाले रखे जाते हैं ताकि वो सारी की सारी अपनी लाइबिलिटीज आराम से दे पाए और टाइम पे दे पाए। ओके, तो S&P ने बोला है कि LIC रिजर्व्स के मामले में चौथे नंबर पे स्टैंड करता है ऑल ओवर द ग्लोब। ठीक है, पहली कौन सी है? अलायंस SE जो कि जर्मनी की कंपनी है। सेकंड इज चाइना लाइफ इंश्योरेंस जो कि मेनलैंड चाइना की कंपनी है। निपॉन लाइफ इंश्योरेंस जो कि जापान की कंपनी है। एंड फोर्थ इज इंडिया। फिफ्थ भी पूछा जा सकता है, दैट इज पिंग एंड इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ चाइना। तो ये 5 कंपनीज के आपको नाम याद रखने हैं और ये कौन से कंट्री में है वो भी पता होना चाहिए। और अलायंस SE का रिजर्व्स कितना है और लाइफ इंश्योरेंस का रिजर्व्स कितना है वो पता होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस का है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है 503.7 बिलियन US डॉलर। अलायंस का है 750.20 बिलियन US डॉलर। तो S&P ने कितने कंपनीज की स्टडी की थी? S&P ने 50 ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की स्टडी की थी और जिसमें से LIC का रैंक है 4th। तो ये स्टडी में उनको ये पता चला कि यूरोपियन कंपनीज है, यूरोपियन इंश्योरेंस कंपनीज है, वो सबसे ऊपर है। ठीक है, वो सबसे ऊपर मतलब वो टॉप 50 में सबसे ज्यादा कौन से इंश्योरेंस कंपनीज है, दैट इज यूरोपियन कंपनीज। तो उनके 21 कंपनीज है, यूरोपियन कंट्रीज के 21 कंपनी है ये इंश्योरेंस लीडर बोर्ड में। ठीक है, ये इंश्योरेंस रिजर्व्स लिस्ट में। यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं और उसमें जर्मनी आ गया, फ्रांस आ गया, UK आ गया, हर एक आ गया। ठीक है, सारे के सारे यूरोपियन नेशंस आ गया। ठीक है, बट अगर हम कंट्री टू कंट्री बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री है जो ये टॉप 50 में है, दैट इज USA। तो USA के इंश्योरेंस कंपनी सबसे ज्यादा ये टॉप 50 ग्लोबल लिस्ट में है, उसके बाद UK। तो USA के 8 है और UK के 7 है। एशिया में कौन लीड कर रहा है? एशिया में कौन से कंट्री के सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज है, दैट इज चाइना एज वेल एज जापान। कौन? चाइना एज वेल एज जापान। तो ऐसे रिपोर्ट से भी आपको बार बार क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं एग्जामिनेशन में। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। S&P ने और प्रोजेक्शन दिया है, क्या चाइना वाइना अभी कुछ नहीं है? अगर एशिया पैसिफिक रीजन की ग्रोथ को अगर कोई ऊपर लेके जाने वाला है तो वो इंडिया लेके जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी सबको पता है इंडिया का GDP इस क्वार्टर में 7.6% था और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया का GDP और अच्छे से इंप्रूव करेगा सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि APEC रीजन में इंडिया ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा व्हेन वी कंपेयर दैट विद चाइना आल्सो। क्यों? क्योंकि चाइना में रिसेशन चल रहा है,
चाइना की इकोनॉमी डाउनफॉल हो रही है। क्यों हो रही है हमने पढ़ लिया था, क्यों हो रही थी, क्योंकि उनका रियल एस्टेट सेक्टर का क्राइसिस आया है, और क्या, और उनकी जो कोविड 19 के बाद उनकी इकोनॉमी उतनी ग्रो नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। इसलिए S&P को लग रहा है कि चाइना एपेक रीजन के ग्रोथ में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जितना इंडिया करने वाला है। तो इंडिया के उन्होंने प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं, ओके, और चाइना के भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स ने यार 3 स्मॉल कमर्शियल व्हीकल निकाले जिसका नाम है इंट्रा V70, इंट्रा V20 गोल्ड और SHT+। ये 3 उन्होंने स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स निकाले। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स जैसे आपका टाटा एस हो गया, ठीक है, दैट इज अ स्मॉल कमर्शियल व्हीकल। तो वैसे टाटा मोटर्स ने ये 3 स्मॉल कमर्शियल व्हीकल निकाले हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं एग्जामिनेशन में, पर कभी कभी आ जाते हैं। तो अगर न्यूज़पेपर ने मेंशन किया है तो क्यों हम ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ेंगे, ऐसे न्यूज को क्यों छोड़ेंगे, तो एक बार पढ़ लेंगे, याद रह जाएगा यार। SHT, इंट्रा और इंट्रा, ये तीनों के तीनों टाटा मोटर्स के ही व्हीकल्स है। नेक्स्ट इज विप्रो। विप्रो ने ना VVF कंपनी के कुछ ब्रांड्स को खरीद लिया है। कौन सा ब्रांड यार, जो डोए और बैक्टीरिया शील्ड, ये तीनों के तीनों सोप के ब्रांड्स है। ये 3 ब्रांड्स को विप्रो ने खरीद लिया है। विप्रो ने किससे खरीद लिया है यार, VVF इंडिया। VVF इंडिया ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, इनसे विप्रो ने 300 ब्रांड्स को खरीद लिए है। सो ये एक्विजिशन पे भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो आज का आप सेशन देखोगे, इट्स वेरी चिल सेशन, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने उनके न्यूज़पेपर में ऐसे कुछ भी न्यूज मेंशन नहीं किए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आज का सेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। ओके, एक जस्ट न्यूज बड़ी आएगी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू NPS। नेक्स्ट इज इंडिया एंड केनिया। यार इंडिया ने ना $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया है केनिया को। केनिया को बोला ये पैसा देके कि आप ये पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लगा सकते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए आप ये पैसा लगा सकते हो। सपोज केनिया में एग्रीकल्चर ड्रोन के मदद से करना है, इरिगेशन के मदद से करना है, तो ये सारा चीजों के लिए केनिया ये $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट यूज कर सकती है। ओके, तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। सपोज राहुल XYZ लिमिटेड इज अ बैंक, ठीक है, राहुल XYZ लिमिटेड, लिमिटेड तो बैंक नहीं होती है, बट राहुल XYZ लिमिटेड इज एन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिनका काम है लोन देने का। सपोज राहुल XYZ लिमिटेड ने 100 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया किसको, रिलायंस को। ओके, तो रिलायंस क्या करेगा, ये लाइन ऑफ क्रेडिट जब उसको जरूरत है वो तब यूज करेगा। ओके, मतलब बार बार रिलायंस को राहुल XYZ लिमिटेड के पास नहीं जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए। एक बार रिलायंस ने एप्लीकेशन कर दिया, रिलायंस को डायरेक्ट 100 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट मिल गया। तो रिलायंस को जब जब जरूरत है वो 100 करोड़ के लोन की, तब तक वो उससे थोड़ा 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 यूज करते रहेगा। रिलायंस को अगर 10 करोड़ की ही जरूरत है तो 10 करोड़ पे ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा बाय राहुल XYZ लिमिटेड। रिलायंस को अगर बाद में 30 करोड़ की जरूरत है तो राहुल XYZ लिमिटेड बस 30+10 करोड़ पे ही इंटरेस्ट रेट लगाएगा, और बाकी 60 करोड़ अगर रिलायंस ने यूज ही नहीं किया है तो उस पे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगाया जाएगा। तो इंडिया भी वही कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है, $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया है केनिया को। तो केनिया को ये $250 मिलियन तक वो जितना पैसा चाहिए उतना यूज कर सकता है, पर जितना पैसा उसने यूज किया है ये 250 मिलियन में से, उतने रुपए पे ही केनिया को इंडिया को पेमेंट्स करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रेट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट। आई होप वी आर क्लियर। सो अ लाइन ऑफ क्रेडिट इज अ प्रेजेंट बोरिंग लिमिट दैट कैन बी टैप्ड इनटू एट एनी टाइम, ये हमने बात ही किया हुआ है। द बोरोअर कैन टेक मनी आउट एज नीडेड अंटिल द लिमिट इज रीच्ड। आई होप इट इज क्लियर। सो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं
अगर मान के चलो यार इंडिया अफगानिस्तान को लोन दे रहा है, केनिया को लोन दे रहा है, सोमालिया को लोन दे रहा है, इसराइल को लोन दे रहा है, तो ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। और अगर इंडिया को भी लोन दिया जा रहा है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, तो ऐसे सवाल भी एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई गेस। एंड दिस इज द लास्ट न्यूज ऑफ टूडेज सेशन। सो एनपीएस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ा है, ऑलमोस्ट मैंने 20 to 25 मिनट्स आपको एनपीएस के बारे में पढ़ाया होगा, तो वो चीज आप रेफरेंस के तौर पे मैंने लिख दी है। 25 नवंबर के मेरा वीडियो लेक्चर देखोगे, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मेंशन है, वहां पे जाके आप न्यूज 4 देखोगे, तो वहां पे जाके आपको एनपीएस के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगी, तो वो आपको देखना है। ओके, तो एनपीएस, अभी एनपीएस में क्या चेंजेस आया है, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस, पहले आप उसके पहले समझ लो, न्यूज समझने के पहले। एक्टिव चॉइस मतलब क्या, राहुल अगर पेंशन फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, राहुल अगर एनपीएस डिडक्ट कर रहा है अपने कंपनी के थ्रू, और उसका पैसा कहाँ पे जाता है, पेंशन फंड में जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पैसे को आगे इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी पेंशन फंड की होती है। तो राहुल बोलता है कि नहीं यार, मुझे ना मेरा 100 रुपीज है, आप 20 रुपीज मेरे इक्विटीज में डालो, 20 रुपीज आप बॉन्ड्स में डालो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालो, और बाकी जो 60 रुपीज है ना आप वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, राहुल डिसीजन ले रहा है कि उसको उसका पैसा कहाँ पे डालना है। सो दैट इज नोन एज एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस मतलब राहुल के पास डिसीजन पावर ही नहीं है, ऑलरेडी एक सेट ऑफ नॉर्म्स बना के रखे, सेट ऑफ स्कीम्स बना के रखे है, जहां पे वो बाय डिफॉल्ट होता है। अगर राहुल ऑटो चॉइस डिसाइड करता है तो उसका ऑटोमेटिकली पैसा 60% इक्विटी में चले जाएगा, 20% कॉर्पोरेट बॉन्ड में चले जाएगा, और 20% उसका गवर्नमेंट बॉन्ड में चले जाएगा। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। सो ऑटो स्कीम या ऑटो चॉइस मतलब दैट इज डिफॉल्ट ऑप्शन, आपका 100 रुपए ऑटोमेटिकली उनके वेट्स के हिसाब से अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में चले जाएगा। अगर 20% इक्विटी है बाय डिफॉल्ट, तो 20 रुपीज आपका इक्विटी मार्केट्स में चले जाएगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड पे 50% अगर वेट है तो 50 रुपीज आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में चले जाएगा और बाकी 30 रुपीज आपका गवर्नमेंट बॉन्ड पे चले जाएगा। ये हो गया ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में हम खुद डिसाइड कर रहे हैं। राहुल बोल रहा है कि मेरा पूरा का पूरा पैसा आप 100% इक्विटी में डाल दो। राहुल को लगता है इक्विटी मार्केट डेंजरस है, तो राहुल बोलता है नहीं नहीं मेरा पूरा का पूरा पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल दो 100%। अगर राहुल को लगता है नहीं नहीं मेरा पैसा इक्विटी में भी डालना चाहिए और कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी डालना चाहिए, तो राहुल बोलते हैं मेरा 50% इक्विटी में डालो, 50% आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल दो। तो ये चीजें एक्टिव चॉइस में बोली जाती है। पर अभी तक क्या होता था ना एक्टिव चॉइस में, अगर देखो राहुल ने क्या किया, राहुल ने एक्टिव चॉइस चूज किया। राहुल बोलता है कि उसका 40% इक्विटी में जाना चाहिए, 30% कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाना चाहिए और 30% गवर्नमेंट बॉन्ड में जाना चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसे पेंशन फंड्स रहते हैं, जैसे SBI पेंशन फंड है जो इक्विटी में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, ओके, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। कुछ ऐसा पेंशन फंड है जैसे HDFC पेंशन फंड, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और कुछ आदित्य बिरला पेंशन फंड है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, राहुल को एक एक्टिव चॉइस के लिए एक पेंशन फंड ढूंढना पड़ता था। तो राहुल अगर वो पेंशन फंड के पास जा रहा है तो वही पेंशन फंड के साथ तीनों की तीनों उसको डील करनी पड़ती थी कि SBI पेंशन फंड ही राहुल का पैसा इक्विटीज में भी डालेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी डालेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी डालेगा, ओके। बट हमने तो देखा है SBI पेंशन फंड बस इक्विटी में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इस केस में राहुल के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो रिटर्न्स SBI उसको दे रहा है वो ऑब्वियसली कम दे रहा है, क्योंकि वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ठीक है। बट अगर काश राहुल के पास ऐसा ऑप्शन होता, राहुल इक्विटीज इन्वेस्टमेंट के लिए SBI पेंशन फंड के पास जाता, कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए HDFC पेंशन फंड के पास जाता और गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए आदित्य बिरला पेंशन फंड के पास जाता, तो तीनों बेस्ट पेंशन फंड के पास जाता है अपने अपने कैटेगरी में, ठीक है। तो राहुल को क्या मिल रहा है, बेस्ट रिटर्न्स मिल रहे हैं।
तो यही चीज अभी पीएफआरडीए ने किया हुआ है। पीएफआरडीए पहले बोलता था नवंबर 2023 के पहले कि पूरा का पूरा पैसा राहुल का एक ही पेंशन फंड के पास जाएगा और वो पेंशन फंड में आप एक्टिव चॉइस डिसाइड कर सकते हो। बट अभी बोल दिया है कि अगर आपके तीन अलग अलग एसेट क्लास भी है ना, अगर आपको तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में भी अगर इन्वेस्ट करने है ना, तो आप तीन अलग पेंशन फंड मैनेजर्स चूज कर सकते हो। तो एसबीआई भी चूज कर सकते हो, एचडीएफसी भी चूज कर सकते हो, आदित्य बिरला भी चूज कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, एसबीआई चूज कर दिया तो एसबीआई ही रहेगा आपका तीनों के तीनों इन्वेस्टमेंट के लिए, तीनों के तीनों एसेट क्लास के इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एसेट क्लास मतलब मैं किसके एसेट क्लास की बात कर रहा हूँ, इक्विटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, तो ये कब से आया है? नवंबर 22, 2023 से। अभी आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको ही समझ में आ जाएगा। सब्सक्राइबर्स टू द एनपीएस कुड अर्लियर हैव ओनली वन पेंशन फंड मैनेजर अक्रॉस ऑल एसेट क्लास, बट नाउ फ्रॉम नवंबर 22 पीएफआरडीए हैज परमिटेड एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स टू एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल एंड एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल टू हैव सेपरेट पीएफएम पेंशन फंड मैनेजर इन थ्री एसेट क्लास, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। न्यू सब्सक्राइबर्स विल बी एबल टू अवेल दिस फैसिलिटी 3 months आफ्टर रजिस्टरिंग विद एनपीएस। राहुल है, अगर राहुल ने आरबीआई ज्वाइन किया January 2024 में, तो राहुल का एनपीएस इन्वेस्टमेंट चालू हो गया January 2024 से। तो राहुल को ये एक्टिव चॉइस का ऑप्शन कब से मिलेगा? एक्टिव चॉइस इन ऑल दिस पेंशन फंड मैनेजर्स, उसको ये चॉइस मिलेगा आफ्टर 3 months ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग, दैट इज 1st of January। तो फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, तो 1st of April के बाद राहुल को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो एक्टिव चॉइस के अंदर अलग अलग पेंशन फंड मैनेजर चूज कर सकता है फॉर डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास। तो ये 3 months का भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपका जो पेंशन फंड मैनेजर है ना एसबीआई, अगर एसबीआई इक्विटीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, 2 साल के बाद आप पेंशन फंड मैनेजर को चेंज कर दोगे और आप एचडीएफसी के पास चले जाओगे या फिर एक्सवाइजेड पेंशन फंड मैनेजर के पास चले जाओगे। तो राहुल ने अगर एसबीआई पेंशन फंड मैनेजर में इक्विटीज के लिए इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, तो उसको कम से कम 2 साल रुकना पड़ेगा टू चेंज हिज पेंशन फंड मैनेजर। तो वो कैसे करेगा, किस बेसिस पे डिसाइड करेगा? अगर उसका इक्विटी पोर्टफोलियो अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वो ऐसे इक्विटी पेंशन फंड मैनेजर के पास जाएगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इक्विटीज मार्केट में। ठीक है, तो बताने का ये मतलब है कि राहुल को अगर उसके इक्विटीज इन्वेस्टमेंट पे अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, ही शुड हैव टू वेट फॉर 2 years एंड देन ओनली ही कैन चेंज द पेंशन फंड मैनेजर। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है, जो नीचे वाला भी आप पढ़ लोगे आपको समझ में आएगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट राइट नाउ ओनली। बर्डन ऑफ चॉइस, यार ये एक्टिव चॉइस डिसाइड करना कौन कर सकता है? जिसको सारे एसेट क्लास के बारे में नॉलेज हो, उसको पता है इक्विटी मार्केट्स कैसे काम करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसको हर एक के बारे में नॉलेज है, उसको पता है एसबीआई पेंशन फंड का मुझे परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड करना है, एचडीएफसी पेंशन फंड का परफॉर्मेंस कैसे डिसाइड करना है। अगर मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूं जिसके पास नॉलेज है, तो ही जाके मेरे लिए एक्टिव चॉइस यूजफुल हो सकती है। अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट ऑटो चॉइस में मेरा पैसा डाल दूंगा। सिंपल है। द फैसिलिटी फॉर एक्टिव चॉइस इन्वेस्टर्स ओनली, द फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल टू सब्सक्राइबर हु ऑफ फॉर द एक्टिव चॉइस मॉडल। ओके, तो ये जो तीन आपको पेंशन फंड मैनेजर चूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, दिस ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल इन द एक्टिव चॉइस मॉडल। ये तो हमें समझ गया है पीछे। और दोज ऑप्टिंग फॉर ऑटो चॉइस, उनको बस एक ही पेंशन फंड मैनेजर वो चूज कर सकते हैं अक्रॉस ऑल द 3 एसेट क्लासेस। ये भी हम पीछे समझ के आ गए हैं। ओके, सो आई होप वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर टूडे सेशन। सो माई गोल इज टू सिंप्लीफाइड एवरी न्यूज एज मच एज पॉसिबल, सो दैट एवरी थिंग फॉर यू वुड बी अ बींच वॉच। आई वॉन्ट माई लेक्चर्स टू बी शोकेस्ड इन सच अ वे दैट इट शु यू शुड सी दिस लेक्चर वाइल हैविंग कॉफी, डिनर, लंच एंड सो ऑन। बिकॉज मैं इतना इजी करना चाहता हूँ कि आपके वो छोटे छोटे भाई या छोटे छोटे बहन
या फिर जिनको फाइनेंस का कुछ भी नॉलेज नहीं, इकोनॉमिक्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनको भी मेरे लेक्चर समझ में आने चाहिए. एंड दैट्स माय एंड गोल. और ये अगर आप समझते हो, मेरे लेक्चर्स अगर आप समझते हो, तो आपको ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा. और उसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पेपर, वेदर इट बी एसबीआई पीओ मेंस और एनी काइंड ऑफ बैंकिंग मेंस, या फिर आप रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन का, करंट अफेयर्स का, जीए का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप आरबीआई का फेस टू का फाइनेंस बैठ रहे हो, इकोनॉमिक्स के पेपर में बैठ रहे हो, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा. अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि दिस लेक्चर्स आर हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो इफ यू लाइक दिस सेशन, इफ यू लाइक माय डिलीवरी, इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द पीडीएफ्स हैज बीन शेयर्ड on my Telegram group, which is named as Business Standard Newspaper Analysis by Rahul Kopulwar. Abhi tak ke sare PDFs maine mere Telegram channel pe dal di hai. Agar aap abhi tak wo Telegram channel pe nahi jude hue ho, to aap join kar lijiye. Wahi pe aapko sari PDFs mil jayegi. Aur usi ke saath saath aapko main continuously blogs ke madhyam se bhi cheeze padhate rehta hu. To wo bhi cheeze aapko mujhe Telegram, आपको वो चीजें भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच. आई विल बी सीइंग यू इन टुमारो सेशन ऑन द सेम चैनल, दैट इज बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय राहुल कोपुलवार. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे अहेड.